कोश किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कोश किचन में हम बनाएंगे उड़द की दाल, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे हफ्ते में एक बार तो ज़रूर खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए ये भी आपको बताएंगे, पर पहले जान लेते हैं इसे बनाना कैसे है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर करीब 200 ग्राम काली उड़द की छिलके वाली दाल ली है। अब इस दाल को हम 3-4 बार अच्छी तरह से धो लेंगे, और धोने के बाद जितना आप दाल में पानी डालते हो, जिस तरह की आपको दाल मोटी या पतली पसंद हो उतना ही आप पानी डालें। साथ ही डालेंगे ज़रूरत के मुताबिक नमक, एक तेज़पत्ता। बस ये दो चीज़ें डालकर हम इस दाल को 3 सीटी तक प्रेशर कुक कर लेंगे। अब 3 सीटियों के बाद हम चेक करेंगे दाल। अब इस दाल को चारों ओर करछी से घुमाते हुए अच्छी तरह से मिला लें, या फिर दल घोटने की मदद से इस दाल को एक बार हल्का सा घोट लें। अब इसके बाद बारी आती है दाल में तड़के की। तो तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाही को गर्म कर दिया है, और अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का या किसी और तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही ये घी गर्म होगा, हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, 1 स्टिक दालचीनी, 2-3 लौंग, साथ ही डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जैसे ही जीरा चटकेगा, हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, साथ ही डालेंगे 1 बड़े साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, और अब अच्छी तरह से चलाते हुए इसे गुलाबी होने तक भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं प्याज अच्छी तरह से गुलाबी हो रहा है, और ये लाल हो उससे पहले हम इसमें डालेंगे करीब 1 चम्मच कसूरी मेथी, और ये डालने के कुछ सेकंड बाद हम इसमें शामिल करेंगे दाल, और अब इसे अच्छी तरह से इस तरह मिला लेंगे। और यहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत है इस दाल को थोड़ा सा पतला करने के लिए, तो हम डालेंगे पानी। पानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही डालें। ध्यान रहे कि उड़द की दाल ठंडी होने के बाद गाढ़ी होना शुरू हो जाती है, तो उसी हिसाब से पानी का इस्तेमाल करें। और अब इस दाल को हमें 1 से 2 उबाल तक पका लेना है। अब जब दाल हमारी उबल चुकी है, तो हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। ये हमारी दाल को एक तीखापन देगी। आप चाहें तो ऐसे वक्त में हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे डालने के बाद हम 1 मिनट तक ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर इसे छोड़ देंगे। और अब हमारी दाल अच्छी तरह से उबल चुकी है, ऐसे में आंच को बंद करेंगे और सर्व करेंगे गर्मा गर्म उड़द की दाल। इस दाल को आप देसी घी डालकर सर्व करें, और मजा लें इस बेहद ही आसान सी, बेहद ही पौष्टिक और बेहद ही स्वादिष्ट उड़द की दाल का। और जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि इस दाल को हफ्ते में एक बार ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप हफ्ते में एक बार उड़द की दाल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पथरी की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा इस दाल में आयरन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि पेशाब में जलन के साथ और भी जो दूसरी समस्याएं होती हैं उनको दूर करती है। तो इतने सारे फायदे होते हैं इस उड़द की दाल के, तो इस दाल को आप हफ्ते में कम से कम एक बार बनाकर ज़रूर